हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी चाह रहे हैं जो पूरी तरीके से लीगल हो, रजिस्टर्ड हो, एनओसी अप्रूव्ड हो और एयरपोर्ट मात्र 3.5 किलोमीटर की रेडियस के और सरकार का जो अधिग्रहण का दायरा है, यमुना अथॉरिटी का जो अधिग्रहण का दायरा है, उस दायरे से बाहर, तो आप लोगों के लिए लाए हम बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, ये एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि पक्की रोड बनी हुई है, आरडी की रोड बनी हुई है और लोगों ने अपनी बाउंड्रियां करवाई हुई है। प्लॉट की लंबी परियों तो यहाँ पे देखिए ये बाउंड्रिया लोगों ने करवाई हुई है और 25 मीटर से लेके 40 मीटर रोड है। आप पूरी ग्रीनरी से भरपूर साइड है। खास बात इस प्रोजेक्ट की है, ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डेवलप है, इलेक्ट्रिक को आप देख सकते हैं, बिजली मीटर के लिए आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं और लोगों को सबका यहाँ पे मिल रहा है। ये वकील साहब ने यहाँ पे हमारे प्लान के 1200 दिया हुआ, यहाँ से लेके वहाँ तक इनकी बाउंड्री आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने तुरंत जो है रजिस्ट्री करवाया, तुरंत कब्जा ले लिया। प्रोजेक्ट हम रहे हैं, इसका नाम तिजोरी में एम्पायर है और ये महालक्ष्मी पूजा है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से 25 का हुआ है, कंपनी ने रजिस्ट्री करी हुई है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कोलेबोरेशन नहीं है, रजिस्ट्री प्रॉपर है कंपनी के नाम। जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे प्रोजेक्ट मात्र 3.5 किलोमीटर के रेडियस पे है, आप देख सकते हैं कि हमारे टेरिस गार्डन से एयरपोर्ट का जो पार्ट है वो दिख रहा है, क्रेन वहाँ पे इस स्तर पर काम होता हुआ एयरपोर्ट पे दिख रहा है। हम अपने टेरिस गार्डन पे खड़े हुए हैं अपनी साइड के। आप क्लाइंट्स को यहाँ पे जो इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके दिमाग में एक ऐसी बात आ रही है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पहला क्लिक आपके जहन में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मतलब ये एक ऐसी जगह जो वहाँ पे ना रिटर्न बहुत अच्छा यहाँ पे मिलेगा। मैं वजह बताता हूँ, जेवर एयरपोर्ट के बाद नाइट सफारी आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप लोग बताओ, जैसे कि अगर एयरपोर्ट आता है तो साथ साथ उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फाइव स्टार होटल हो गया, सेवन स्टार होटल हो गया, एक जो है बड़ी बड़ी कंपनीज का मुख्यालय है जो है क्वार्टर वो ओपन होते हैं। सबसे बेहतर अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप गुड़गांव का एग्जाम्पल लीजिए और मलकाजपुर का एग्जाम्पल लीजिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए चाहिए। तो पहला क्लिक आपके जहन में जो हलचल होती है वो जेवर एयरपोर्ट के नाम से, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। वजह क्या है कि ये नोएडा इंटरनेशनल एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अपनी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इतने सारे बिल्डर हैं, तो इसी प्रोजेक्ट से आप यहाँ पे क्यों आए? 3.5 किलोमीटर के रेडियस पे है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये अलीगढ़ के दायरे में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा। ये सवाल आपके जहन में बिल्कुल आ रहे होंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि 3.5 किलोमीटर के रेडियस में है, बिल्कुल है, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो अलीगढ़ का है दायरे से बाहर है, यमुना अथॉरिटी के जो अलीगढ़ के दायरे से बाहर है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पलवल में आता है, आबादी की जमीन है और यूटीपी से टाउन प्लानर से एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है ये। और प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये, यहाँ पे रजिस्ट्री भी है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कोलेबोरेशन नहीं, आप देख सकते हैं वो जमीन भी है सारी, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कोलेबोरेशन नहीं है, सारी की सारी जमीन की रजिस्ट करवाई हुई है। और मैं रेट बताना चाहूंगा, अभी 21,900 है और 22,900 है। पेमेंट प्लान के बारे में बताना चाहूंगा कि 20% देखिए आपकी हो जाएगी, रेस्ट अमाउंट के लिए आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा, आपको रजिस्ट्री भी हो जाएगी, आपको पोजीशन मिल जाएगा और तब तक भी आप ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जेवर एयरपोर्ट के पास अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 15 साल तक लगातार आपको एप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाई देगा, रेट बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, बहुत बूम करेगा 15 साल तक लगातार। उसकी पीछे वजह हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी जेवर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बन रहा है यहाँ पे, मुंबई में जो फिल्म सिटी है उससे भी बड़ा फिल्म सिटी बन रहा है, लगभग 1200 एकड़ फिल्म सिटी बन रहा है। इसके अलावा सरकार ने डेडिकेटेड सेक्टर जो है यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं, जैसे टॉय पार्क के लिए, मेडिकल डिवाइस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पार्क के लिए। 455 एकड़ में पतंजलि का फूड पार्क आ रहा है, 180 एकड़ में वीवो का इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, इतनी सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो लगातार मैं जो कह रहा हूँ 15 साल तक यहाँ पे एप्रिसिएशन बढ़ेगा। अभी ये जो मैं साइड आपको बता रहा हूँ, मैं अभी ये एक साल पहले इसका रेट जो है 15,000 था, अभी इसका रेट जो है 21,900 है, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। तो बहुत अच्छी साइट है, रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, जरूर आइए, विजिट कीजिए। ये साइट हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर में आती है और एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है।